हिस्ट्री में जो टेस्ट होते हैं उसको देखेंगे, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होती है जो रिक्वायर्ड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान के लिए अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए। तो लेबोरेटरी स्टडीज़ में क्या है, एक्सटेंसिव एक्सटेंशन हो रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन का, जिसमें जो टिश्यूज़, ब्लड, यूरिन और दूसरे जो स्पेसिमेंस हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं पेशेंट से और फिर हिस्टोलॉजिकल या बायो एग्जामिनेशंस के लिए रखे जाते हैं। अब सबसे पहले कैंसर डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो सबसे जो अर्लीस्ट डायग्नोसिस अगर ओरल कैंसर का है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसका प्रोग्नोसिस निकाल सकते हैं। अब कैंसर में सेल्स और टिश्यूज़ का ऑल्ट्रेशन होता है। इनफैक्ट दिस फैक्ट इज़ कैप्ट इन माइंड फॉर द एंटायर डायग्नोस्टिक टेस्ट कि ये ऑल्ट्रेशन चलता रहेगा। तो जो क्लासिफिकेशन है कैंसर डिटेक्शन के लिए वो क्या है, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम क्लासिफाई करें तो क्लिनिकल मेथड, फोटो डायग्नोसिस मेथड, हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड एंड मॉलिकुलर मेथड। तो क्लिनिकल में आ जाएगी वाइटल स्टेनिंग, टोलिडिन ब्लू जो है, ल्यूगोल्स आयोडीन मेथड, विजलाइट, एक्रेडिन बाइंडिंग्स मेथड। फोटो डायग्नोसिस में 5-अमीनो लेविलिनिक एसिड, मीडिएट फ्लोरोसेंस, एंडोस्कोपिक इमेजिंग, 5-अमीनो लेविलिनिक एसिड मीडिएटेड डिजिटाइज फ्लोरोसेंस एंडोस्कोपिक इमेजिंग, ऑटो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस फोटोग्राफी। हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड्स में आ जाती है बायोप्सी, एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी, ओरल सीडी सिस्टम। उसके बाद फिर आ जाता है आपका मॉलिकुलर में क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, ट्यूमर मेकर्स, माइक्रोसैटेलाइट मेकर्स, ये सब। अब क्लिनिकल मेथड देखें तो जो टोलिडिन ब्लू स्टेनिंग है, इसमें टोलिडिन ब्लू क्या है, टोलिडिन ब्लू टोलोनियम क्लोराइड डाई को हम एक माउथ वॉश की तरह या फिर टॉपिकली अप्लाई करते हैं और ये डायग्नोस करता है ओरल कैंसर और पोटेंशियली जो मैलिग्नेंट लीजन्स है या जो मैलिग्नेंट लीजन्स, जो बिनाइन लीजन्स मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने वाले हैं। इन मेथड की सेंसिटिविटी अच्छी है, जिसमें वेरी लो फॉल्स नेगेटिव रेट है। जो डॉर्सम सरफेस है टंग का वो हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेन देगा क्योंकि रिटेंशन हो रहा है डाई का क्रेवाइस में, पैपिलास के बीच में। अब ये इफेक्टिव है इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग डिस्प्लेजिया और अर्ली मैलिग्नेंट लीजन जो क्लिनिकली रिकॉग्निजेबल नहीं है। तो अब मेकैनिज्म देखिए, तो जो अब हम सबसे पहले तो हम डीएनए के साथ बाइंडिंग करेंगे, तो ये एक एसिडोफिलिक मेटाक्रोमैटिक न्यूक्लियर डाई है। किस किस ग्रुप का, थायजाइन ग्रुप का, जो स्टेन करता है एसिडिक टिश्यू कंपोनेंट्स, पर्टिकुलरली जो न्यूक्लिक एसिड्स है डीएनए, आरएनए और डिस्प्लास्टिक और एनाप्लास्टिक एरिया है जिसमें ज़्यादा डीएनए होता है नॉर्मल सेल से। इंट्रासेलुलर कैनाल्स, तो मैलिग्नेंट एपिथीलियम में इंट्रासेलुलर कैनाल्स होते हैं जो वाइडर देन नॉर्मल एपिथीलियम होते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ डाई। अब देखिए इफेक्ट ऑन नॉर्मल एपिथीलियम, तो जितने भी एपिथीलियल सरफेसेस है वो ब्लू स्टेन करेंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 1% टोलिडिन ब्लू सॉल्यूशन। बट जो स्टेन है वो लॉस्ट हो जाता है कब, 1% एसिटिक एसिड के एप्लीकेशन के बाद, टू नॉर्मल एपिथीलियल सर्फेस या फिर बिनाइन एरिथ्रोमेटस लीजन या ओरल म्यूकोसा। अब हम देखें पेशेंट्स में क्या अफेक्ट हो रहा है कि ये वेल डिफाइंड अपटेक है डाई का मार्जिन्स में, जहाँ पर डिफ्यूज मार्जिनल पैटर्न है जो कैरेक्टरिस्टिक है डिस्प्लेजिया का या फिर मैलिग्नेंसीज का। अब अवेलेबिलिटी देखें तो ये रेडली भी अवेलेबल है टू यूज़ किट एज थ्री कंपोनेंट सिस्टम। पहले में तो 1% टोलिडिन ब्लू 10 ml सोल्यूशन में, सेकेंड जो है और थर्ड किट है उसमें 1% एसिटिक एसिड एज प्री एंड पोस्ट रिंस सोल्यूशन। उसके बाद जो कंटेंट्स है वो क्या है, टोलिडिन ब्लू 1 g ले लो, एसिटिक एसिड लो, एब्सोल्यूट एल्कोहल, डिस्टिल वाटर, pH एडजस्ट करो 4.5 में। अब टेक्निक्स क्या है, पहले तो रिंजिंग टेक्निक देखें। तो इनिशियली आप पेशेंट को बोलोगे कि आप ट्वाइस वाटर के साथ इसको रिंस करो और रिंस करने के बाद 1% एसिटिक एसिड लो। ड्राइंग ऑफ एरिया, यू शुड जेंटली ड्राई सस्पिशियस म्यूकोसल एरिया जिसमें गॉज है, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर नॉट टू एब्रेड द टिश्यू वाइल ड्राइंग। अब एप्लीकेशन देखिए टोलिडिन ब्लू सोल्यूशन का, तो 1% टोलिडिन ब्लू सोल्यूशन आप लगाओ विद कॉटन स्वैब। अब रिंस करना है तो पेशेंट से आप बोलोगे कि आप एसिटिक एसिड से रिंस करो और रिंस करने के बाद पेशेंट को बोलो कि वो उसको वाटर से रिंस करा। पॉजिटिव स्टेनिंग, अगर म्यूकोजा स्टेन्ड पॉजिटिव है तो आपको रिपीट करना होगा प्रोसीजर 1 to 2 weeks। बायोप्सी जो है ओरल साइड की वो देखते हैं जो स्टेन करती है पॉजिटिव ऑन 2 successive visits। सी अब क्या है इसमें, फिर आगे आ जाता है आपका